हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन टू माय चैनल। और दोस्तों, आज आपको एक ऐसी जगह की सैर कराते हैं जो कि अपनी साउथ इंडियन डिशेस के लिए बहुत फेमस है। और हम वहाँ ब्रेकफास्ट के लिए गए थे, किसी ने हमें बताया था, तो जो कि मुंबई के माटुंगा पे स्थित है, रामाश्रय जिस रेस्टोरेंट का नाम है। और एक दिन हमने यहाँ बहुत भीड़ देखी थी, तो हमने सबसे पूछा कि ऐसा क्या फेमस है यहाँ पर। तो किसी ने बताया कि यहाँ का साउथ इंडियन डिशेस बहुत ही चीप और बहुत ही बेस्ट है, ऑथेंटिक साउथ इंडियन टेस्ट मिलता है। तो देखिए, मैंने ये आपको वीडियो के पिक्स दिखाए हैं वीडियो में कि क्या क्या चीज़ वहाँ मिल रही थी। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और लंबी लाइन लगी हुई थी तो हमें काफ़ी वेट करना पड़ा। तो आपको अगर वहाँ जाने का प्रोग्राम बनाए तो आपको भी ऐसे वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये रेस्टोरेंट अपने साउथ इंडियन फूड के लिए बहुत फेमस है। तो उस दिन हम भी ब्रेकफास्ट के लिए सुबह ही 7:30-8 तक वहाँ पहुँच गए थे, तो हमें कम से कम आधा घंटा वेट करना पड़ा था अपने क्यू में हमारा जब तक नंबर आया। और इतने में आपको बाहर की जो पान की शॉप थी उसका वीडियो आपको दिखा रही हूँ। उसके बिल्कुल ही बाहर एकदम पान की छोटी सी शॉप थी, जहाँ पर कि पान बहुत ज़्यादा बिक रहे थे और उसको वो तैयार कर रहा था, क्योंकि लोग खाना खाने के बाद पान भी यहाँ पर यूजुअली खाते ही हैं। देखिए, जब तक वीडियो में अंदर जाने का नंबर आए हमारा, हम क्यों में खड़े थे, तो मैंने सोचा आपको यही दिखाती हूँ कि पान वो कैसे इतने सारे एक साथ तैयार कर रहा था। और बार बार हम लोग क्यू में खड़े होकर झांक रहे थे कि हमारा नंबर कब आएगा। तो लेकिन मन में बड़ी क्यूरियोसिटी थी कि ऐसा क्या अंदर खाने को मिलेगा जो कि लोग इतनी लंबी लाइन में और आधा से पौना घंटा खड़े होके खाने के लिए जाते हैं। तो ये देखिए, हमारा नंबर आ गया। और ये मेन्यू वहाँ पर ऐसे किचन के बाहर लिखा रहता है, कोई मेन्यू कार्ड नहीं है, आपको जो भी ऑर्डर देना है उसी देख के दे दीजिए। हमने भी वहाँ पर जो वेटर आए थे उनको ऑर्डर दिया। और ये देखिए, इनकी किचन है, ये ऐसी लगती है, ज़्यादा किचन देखने को नहीं मिली। और खाने में ये सब चीज़ें ही हमने ऑर्डर दी थी, इडली वहाँ की बहुत ही सॉफ्ट और फेम बढ़िया होती है, वो हमने खाई। और पोड़ी इडली बहुत ही टेस्टी थी, जो घी के साथ साउथ इंडियन फेमस पोड़ी डालकर बनाई थी। और इनका पाइनएप्पल केसरी बाग जो था वो बहुत ही टेस्टी था। साथ ही हमने डोसा, मैसूर मसाला डोसा और मसाला डोसा दोनों ऑर्डर किए थे, और नील डोसा भी ऑर्डर किया था, जो कि एक अलग ही था, वो भी आप ज़रूर ट्राई करिए, बहुत अच्छा है। साथ में साबूदाना वड़ा, दाल वड़ा और भी चीज़ें थी, लेकिन इतनी जगह नहीं बची थी हमें खाने के लिए, तो वो सब तो हमने ऑर्डर देने की नौबत ही नहीं आई। लेकिन देखिए, आप देख सकते हैं, हमने मैसूर वड़ा, मैसूर मसाला डोसा और मसाला डोसा और केसरी बात, इडली वड़ा और नील डोसा, ये सब ऑर्डर किया था। ये सभी खाने में बहुत ही टेस्टी थे, ब्रेकफास्ट करके हमें बहुत ही अच्छा लगा था। ये इनकी नील डोसा के साथ स्वीट डिश सी थी, जिसमें नारियल और शक्कर के साथ मिला के ये स्वीट सब मिक्सचर बनाया गया था, तो बहुत अच्छा लगा था। और इनका उत्पम भी बहुत टेस्टी था, क्योंकि हम लास्ट में रह गया था तो ऑर्डर किया था। वैसे खाने की जगह बिल्कुल नहीं बची थी, लेकिन दोस्तों आपको दिखाना था और टेस्ट करना था, इसलिए हमने ये ऑर्डर किया था। और ये भी बहुत टेस्टी था। लास्ट में लाइम सोडा ऑर्डर किया था और वो भी बहुत अच्छा था। और देखिए, इन सब की कीमत बहुत ही कम थी, ये आपको बिल मैंने दिखाया है, आप नोट कर सकते हैं कि हमने इतना सब कुछ खाया और सब चीज़ 550 के अंदर आ गई थी। और इतना सब खाने के बाद टी कॉफ़ी की इच्छा नहीं थी, इसलिए वो ट्राई नहीं की, वो भी वहाँ की बहुत फेमस है। साथ में ये देखिए, पान उनका छोटे साइज़ का था, जो कि आप काउंटर पे से ले सकते थे, 7 रुपीज़ का। और जब हम बाहर निकले तो देखे दोस्तों, भीड़ तो जैसे कि तस वैसी ही बनी हुई थी, और लोग अब
क्यू में रह कर इंतज़ार कर रहे थे। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा ये वीडियो, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा क्या आप पहले कभी वहाँ जा चुके हैं, और वहाँ की सबसे अच्छी खाने की जो डिश है वो कौन सी है। थैंक यू दोस्तों।